हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी अपनी किसी भी फ़ोटो का या अपनी किसी भी पिक का जो साइज़ है वो आप कम कैसे कर सकते हो। अगर कई कई बार आपकी इमेज का साइज़ जो है वो MBs में होता है, बहुत ज़्यादा MB, मतलब या फ़ोन में वो स्टोरेज ज़्यादा पकड़ता है, या कहीं पर आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करना होता है तो उसके लिए क्राइटेरिया रखी जाती है कि आपकी इमेज का साइज़ जो होना चाहिए वो 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है, या 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो वो आप कैसे कर सकते हो, यानी अपनी इमेज का आप साइज़ कैसे कम कर सकते हो, जो इमेज MB में होगी तो उनका साइज़ आप KB में कैसे कर सकते हो, ठीक है, वो आप आज हमको बताएंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में से क्रोम ब्राउज़र को खोलना है। क्रोम ब्राउजर को खोलने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है रिड्यूस इमेज साइज। सर्च करने के बाद सबसे पहले जो आ रहा है reduceimages.com, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी जो सिलेक्ट इमेज दिखा रहा है तो आपको वो वाली इमेज सिलेक्ट करनी है जिसका आपको साइज रिड्यूस करना है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो ओरिजिनल साइज़ है वो है 2.59 MB। तो इसको यहाँ पे आप क्वालिटी भी अपने हिसाब से रख सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम रिसाइज़ इमेज पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारी जो इमेज आई है रिड्यूस होके वो आई है 441 KB, ठीक है। तो अगर आपको इससे काम भी करना है तो आप यहाँ पे 90% के बजाय आप 70 कर सकते हो, मतलब जितना आपको कम चाहिए उतना आप यहाँ पे कम कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए 441 की जगह है अब 217 KB, ठीक है, तो उससे कम हुआ है ये। तो अगर आपको इससे भी कम करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो 60, ठीक है, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो जितना आपको साइज़ कम करना होगा, जितनी आपकी नीड हो। तो अभी आ गए 178 KB, इससे कम अगर करना हो तो आप कर सकते हो 50, या 50 से कम भी कर सकते हो जितनी आपकी नीड हो, ठीक है। तो ये देखिए अभी आ गया 152 KB, ठीक है। तो ये हो गई। अब हम दूसरी इमेज का देख करके देखते हैं, जैसे ये वाली इमेज है इसका जो साइज़ जो है नियर अबाउट है 1.46 MB, ठीक है। तो अगर हम इसको रिड्यूस करके देखते हैं, देखिए ये आ गया 185 KB में, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, मतलब कहीं पे आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करना होता है उसके लिए क्राइटेरिया रखी जाती है कि आपकी साइज़ इमेज का साइज़ जो होना चाहिए वो होना चाहिए 10 से 50 KB के बीच में, या 20 से 50 KB के बीच में, ठीक है। तो उस टाइम पर दिक्कत आती है तो आप वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये अभी आ रहा है, तो देखिए आए 95 KB, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप किसी भी इमेज का साइज़ रिड्यूस कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई अगर 50 MB का भी इमेज होगा तो उसका भी हो जाएगा, 10 MB 50 MB का तो आसानी से हो सकता है KB में, ठीक है, इस वेबसाइट पर आने के बाद, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाला तरीका अच्छा ना लगे तो आपको मैं एक और तरीका बता देता हूँ, ठीक है। आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में आना है, ठीक है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है रिड्यूस फोटो साइज, ठीक है। सर्च करने के बाद ये जो आपके पास आ रहा है ये वाला ऑप्शन कंप्रेस इमेज साइज इन KB एंड MB, ये वाली एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर ली है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद यहाँ से आपको अपना फ़ोटो जो है वो चूज़ कर लेना है, ठीक है, जिसका आपको साइज़ कम करना हो। जैसे हम यहाँ पे ये वाला चूज़ कर लेते हैं फिर से। तो इसको चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे क्वालिटी भी रख सकते हो आप, मतलब जितनी आपको फ़ोटो की क्वालिटी चाहिए उसी हिसाब से कम भी होगा, ठीक है। क्वालिटी अगर आप बंद रखते हो, अगर आप KB के हिसाब से करते हो, मतलब जितने KB आपकी नीड है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 60 KB कर लेते हैं, ठीक है, 60 सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे फिर आपको कॉम्प्रेस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम ले रहा है, ये तो हो गया है, ठीक है। तो अभी अगर हम देख सकते हैं तो ये कॉम्प्रेस हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं एक और करके देख लेते हैं, ये वाला भी किया था हमने उसमें, ठीक है। तो इसका साइज़ हम कर लेते हैं कुछ
उससे 70 KB, तो आपने हिसाब से कर लिया अगर आपको 20 KB चाहिए होगा या 50 KB चाहिए होगा, ठीक है, 22 KB चाहिए होगा, 60 KB चाहिए होगा, जितना भी आपको चाहिए होगा उस हिसाब से आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इसका साइज़ भी हम कंप्रेस करके भी उन्होंने कम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका ओरिजिनल साइज़ जो है 1.53 था MB, तो ये भी हो चुका है, ठीक है। तो इसका जो अब साइज़ आ चुका है वो 65, ये देख सकते हैं, तो कंप्रेस हो चुका है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं फाइल मैनेजर में जाके कहाँ पे सेव होता है ये। फाइल मैनेजर पिक्चर, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आ रहा है क्यू रिड्यूस लाइट, इस पर आपको जाना है। तो ये देखिए, एक तो बन के आ चुका है 59.61 KB, दूसरा है 65 KB, ठीक है। ये देखिए दोनों इमेज कंप्रेस होके आई है, यानी रिड्यूस होके आई है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी कैसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।